Hi guys, this is Nimesh here and welcome to my channel Mr. Bomb Biker. Okay, so let me talk about this bike now. So I have ridden almost 300 kilometers on this, and अभी तक का मेरा एक्सप्रेशन इम्प्रेशन और जो भी है बहुत अच्छा ही है बाइक के लिए. बिकॉज सी आई कम फ्रॉम NS 200, सो वो थोड़ा 200 cc बाइक है, उसके अंदर पावर कम है. कंपैरेटिवली पावर बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर पावर कम नहीं था ज़्यादा. सो दैट वॉज माई फर्स्ट बाइक. उस फर्स्ट बाइक के हिसाब से मैंने वो गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाया, ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर चलाए थे. एंड देन उसके बाद मैंने उसको सेल आउट किया एंड आई अपग्रेडेड टू दिस मशीन. ओके, एंड देन दिस मशीन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम NS 200. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क है उससे. एंड अदर थिंग इज दिस इज एडवेंचर टूरर. ओके, सो टोटली डिफरेंट मशीन. एंड बट माई इम्प्रेशन ऑफ राइडिंग दिस बाइक इज़ वेरी नाइस. आई लव्ड इट. बिकॉज क्या होता है ना, आपको एक टाइम के बाद ना आपको एक पावर का ज़रूरत रहता है. एंड इफ़ यू डू लॉन्ग राइड्स एंड एवरी थिंग, सो यू नीड पावर एज वेल एज कम्फर्टेबिलिटी. सो 390 है, 390 का पावर तो सभी को पता है. सो वो मेरे को समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी को कि इसमें कितना पावर है. ईच एंड एवरी वन नोज दैट. बट द कम्फर्ट ऑफ दिस बाइक इज़ वेरी नाइस. इट इज़ ऑफ अनदर लेवल. बिकॉज क्या कर रहे हैं ये दोनों, वो गली में जाना है. ओके, द कम्फर्ट ऑफ दिस बाइक इज ऑफ अनदर लेवल बिकॉज एडवेंचर टूरर. ओके, इट गिव्स यू अपराइट पोजिशन, एकदम ऐसा सीधा बैठ के ऐसा चलाने वाला कमांडिंग पोजिशन है. एंड आपको एकदम पावर भी मिलता है, इंस्टेंट पावर मिलता है आपको. जब पावर चाहिए तब हाथ में है पावर. ओके, टॉर्क अच्छा है गाड़ी का. ओके, एंड अदर थिंग इज द फील ऑफ दिस बाइक. बैठोगे इसके ऊपर तो बड़ा बाइक वाला फील आता है. ऐसा नहीं लगता है कि यार कोई छोटा बाइक चला रहे हो या 390 ही चला रहे हो. अगर आप पहले का 390 देखोगे तो कितना कॉम्पैक्ट लगता था, लेकिन वो कॉम्पैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर था. द फर्स्ट जनरेशन 390 इज़ व्हाट आई लव्ड इट. उसके अंदर इतना पावर था ना, मतलब आप उसके अंदर छोटी भी गलती नहीं कर सकते आप उस पर. बट इसके अंदर वैसा नहीं है. इसके अंदर भी ऑब्वियसली पावर है, बट इसके अंदर उतना रॉ पावर नहीं है जितना उसके अंदर था. सो दिस इज़ मच मोर रिफाइंड, दिस इज़ मच मोर स्मूदर देन 390 अर्लियर प्रीवियस 390s. एंड अभी ये रोड एकदम खुला है. एंड इफ़ आई डू दिस सी स्लोली एंड ग्रेजुअली बाइक का स्पीड इंक्रीज होता है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. पहले के 390 में, पहले के 390 में ऐसा नहीं था. पहले की 390 में अगर आप रेज दे एक जर्क मिलता था, इसमें वो जर्क नहीं मिलता. ओके, द फर्स्ट थिंग विच आई लाइक. एंड अदर थिंग, इंजन ये गाड़ी का बहुत स्मूथ है, आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होते. ओके, हाँ फर्स्ट गियर पे वाइब्रेशंस है, इनिशियल पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, लेकिन वो क्या है, बाइक के हैवी टॉर्क की वजह से थोड़ा बाइक वाइब्रेट होता है. बट वेन द व्हील्स आर मूविंग यू कैन नॉट फील एनी वाइब्रेशंस ऑन दिस बाइक. क्विक शिफ्टर इसके अंदर क्विक शिफ्टर प्लस है. सो इट वर्क्स वेरी स्मूथली, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू नो हाउ टू यूज इट. ओके, सो आई हैव सीन सो मेनी रिव्यूज दैट क्विक शिफ्टर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर क्विक शिफ्टर एक जर्क देता है. येस इट गिव्स जर्क, इट इज़ नॉट दैट मच रिफाइंड एज इट इज सपोज टू बी. बट भाई छोटा बाइक है, छोटा रेंज है, बजट भी उतना नहीं है बाइक का. सो फिर उस हिसाब से उन्होंने क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा दिया है. बाकी क्विक शिफ्टर के साथ यू कैन कीप द थ्रॉटल ओपन एंड देन चेंज द शिफ्ट, चेंज द गियर्स. बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यू हैव टू जस्ट डू अ ब्लिप एंड देन चेंज. वो ट्यूनिंग आपका बैठने का ज़रूरी है. आई हैव नॉट यूज इट मच, मैंने एक दो बार यूज़ किया एंड इट वर्कड वेरी नाइसली. सो फॉर अपशिफ्टिंग योर RPM should be above 2000, and if you are downshifting, then your RPM should be less than 9000. Then आपका क्विक शिफ्टर प्लस जो है बहुत अच्छे से चलेगा. अगर आप
कम आरपीएम पे है हो या ज़्यादा आरपीएम पे हो, और अगर आप तब करोगे तब आई डोंट थिंक इट विल वर्क नाइसली. नाउ आई विल ट्राई वंस एंड लेट्स सी. ठीक सी, मैंने हाथ भी नहीं लगाया. आई विल नाउ शिफ्ट सिक्स. इट इज़ ऑन सिक्स. इट डजेंट गिव एनी जर्क, बस आपको चलाना आना चाहिए कि ये बाइक कैसे चलानी है एंड बस, और कुछ भी नहीं. हाइट ओके, टॉल बाइक है भाई. 390 बहुत बड़ी बाइक है, कैसे चलाएगा? लंबी है, पैर नहीं पहुँचेंगे, यू विल बी नॉट कंफर्टेबल. दिस इज ऑल मिथ. ओके, 390 है लंबी, बट अगर आप एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है आपके पास, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल, हैंडलिंग अ मोटरसाइकिल इन, ओके, देन इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू. आई एम 5'7" एंड आई कैन ईजिली राइड दिस बाइक विद बोथ द फीट्स डाउन. ओके, बोथ द फीट्स डाउन मतलब आपका दोनों पैर पूरा ग्राउंड पे फ्लैट टच नहीं होगा. ओके, बट आप थोड़ा टिप्टो से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, एंड अगर आप राइडिंग शूज़ पहनते हो उसके ऊपर तो आपका और अच्छे से ग्राउंड फुटेड रहेगा. आई डोंट थिंक हाइट का कोई इशू होना चाहिए. अगर आपको एक सेंसिबल राइडर हो, आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, देन आप आराम से चला लोगे इस बाइक को. हाँ, ऑफ रोडिंग पे ऑब्वियसली उतनी आप नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू दी टॉलर गाइज ऑन दिस, बिकॉज उनका दोनों पैर नीचे रहेगा ज़मीन पे, सो दे विल बी मोर कम्फर्टेबल एंड यू विल बी नॉट. बट यार ठीक है, इंजन हीटिंग. ओके, नाउ दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक. इट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, इंजन हीटिंग. इसमें दो दो फैन लगाए हुए, क्या 390 एडवेंचर हीट होती है? आई विल से यस, इंजन हीट होता है. अगर आप इसे एक अच्छे स्पीड पे रखोगे, जैसे कि अगर आप 80-90 पे रख रहे हो विदाउट रफनेस ऑफ द थ्रॉटल, अगर आप थ्रॉटल भी इजी हो तो इंजन इतना हीट नहीं होता. बट अगर आप थोड़ा रफ चला रहे हो, ओके, एंड अगर आप थोड़ा ट्रैफिक में चला रहे हो, सो इसमें इंजन हीटिंग प्रॉब्लम सीरियस है. आई कैन हियर द फैन ईच एंड एवरी टाइम. ओके, जब भी मैं रुकता हूँ मैं फ़ैन का आवाज़ सुनाई देता है मुझे. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इसमें डबल फैन दिया है तो ये हीट नहीं होती. भाई हीट होती है, बहुत अच्छे से हीट होती है. एंड ट्रैफिक में यू कैन नॉट राइड दिस बाइक. आई हैव रिडन दिस बाइक 2-3 टाइम्स इन अ ट्रैफिक, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था ऑलमोस्ट अराउंड फॉर 10-15 किलोमीटर्स. एंड मेरे को यहाँ पे ऑन द TFT डिस्प्ले आई हैव सीन ओवर हीटिंग का वार्निंग. ओके, फॉर्चुनेटली मेरा बाइक बंद नहीं हुआ, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया था मुझे जहाँ पहुँचना है, तो मेरा बाइक बंद नहीं हुआ था. बट होता है गर्म, पैरों के इधर से भी गर्मी लगती है अगर आप ट्रैफिक में हो, सिटी में हो, अंदर अंदर चला रहे हो, सो आपको गर्मी फील हो जाएगी बाइक पे. अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसे हाईवेज पे आपको गर्मी फील होगी. ये बाइक पे बहुत अच्छा है. सो अभी मैं चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया एंड मेरे को तो अभी तक लगा नहीं है इतना कुछ. ओके, नाउ द मेजर थिंग ऑफ एवरीथिंग. ओके, दिस इज़ नॉट अबाउट द बाइक का परफॉर्मेंस और एनीथिंग. ओके, इस गाड़ी को मेंटेन कैसे करें? ओके, मेकिंग इट क्लीन, कैन आई कीप इट क्लीन एज शोरूम कंडीशन? नो यू कैन नॉट. ओके, डोंट बी सरप्राइज विथ माई आंसर, बट इट इज़ द फैक्ट. यू कैन नॉट मेंटेन दिस बाइक वेरी क्लीनली व्हेन यू आर राइडिंग, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, पीछे जो टायर है उधर से इतना मड उड़ता है गाड़ी पे, इतना मड उड़ता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. अगर आपके पीछे कोई बैठा है बिलियन तो उसका पैंट तो गया समझो, उतना उड़ता है. सो यू कैन नॉट कीप इट क्लीन, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय एन एक्स्ट्रा टायर हगर ऑफ अनदर ड्यूक 390 एंड इंस्टॉल इट इन दिस वन. मैंने अभी तक इंस्टॉल किया नहीं है बिकॉज रेन्स आर अबाउट टू गो, सो इट इज़ एंड ऑफ मॉनसून सीजन. सो मैं सोच रहा हूँ कि वो अभी इंस्टॉल ना करूँ और नेक्स्ट ईयर करूँ. बट भाई पीछे के टायर से जो कीचड़ उड़ता है, मतलब ऐसा पपड़ी निकल सकती है उतना कीचड़ उड़ता है, एंड पूरा बाइक पीछे से गंदी हो जाती है.
आपका बाइक आगे से बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन पीछे से इट विल बी डर्टी, सुपर डर्टी। बस वो एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई है बिकॉज ऑफ दिस बाइक, बिकॉज ऑफ द कीचड़ वाला इशू, बिकॉज पहले वाले बाइक पे इतना कीचड़ नहीं उड़ता था, साफ साफ रहता था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, अभी और नए नए राइडिंग वीडियोस आते रहेंगे, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा वीडियो और कौन सा वीडियोज़ आने चाहिए, क्या अच्छा लगता है आपको मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक दबाओ एंड लेट मी नो दैट एज वेल, लाइक डिसलाइक दोनों चलता है बट एक्नॉलेज करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।